कॉलेज में सर का एक सेमिनार हुआ जिसमें सर ने हार्ट पेशेंट को लाइव दिखवाए और उस रोगी को हार्ट ट्रांसप्लांट होने वाला था जिससे बचाकर होम्योपैथ में नया कीर्तिमान स्थापित किए हैं। समय के महत्व को समझते हुए मैं सर से सेशन शुरू करने का विनम्र निवेदन करती हूँ और सर के उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। वेलकम सर। थैंक यू। मैं आप सब लोगों का आभारी हूं कि हम सब लोग मिलकर एक प्रयास कर रहे हैं कि इस माइंड टेक्निक को प्रॉपर सीखा जाए, आस मेरा मिलकर बैठ के पढ़ा जाए, ताकि हम एक दूसरे के साथ जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर कर सकें। मैं डॉक्टर अंजू जी ने बोला कि डॉक्टर एम एल सहगल साहब के चरणों में मेरे को बैठने का मौका मिला। मैं समझता हूँ कि शायद वो गुरु का ही आशीर्वाद है जिनकी वजह से हम होम्योपैथी में स्पेशली सहगल टेक्निक में थोड़ा सा सीख पाए। मेरे को बहुत अच्छा मौका मिला तो मैं जो भी कुछ उस विजन को प्राप्त कर सका, थोड़ा बहुत वो विजन के हिसाब से अपनी प्रैक्टिस में जो थोड़ा बहुत काम मैं कर रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं कुछ भी जो प्रैक्टिकली हम हर रोज करते हैं हम उसी के बारे में बात करेंगे, ताकि थियोरेटिकली पार्ट को ज़्यादा हम टच करेंगे। वो बुक्स भी सभी के पास हैं, लैपटॉप भी सभी के पास हैं, सब लोगों को हर मेडिसिन के बारे में पूरा पता है, उसको कैसे सब कुछ करना है सब पता है। बट मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं उसको कैसे यूज करता हूँ, कैसे हम इमरजेंसीज को ठीक कर लेते हैं। मैंने अपने क्लिनिक में भी काफ़ी डॉक्टर साहिबान के फोन आते रहते हैं कि सर हमें दिखा दीजिए कैसे करना है, तो मैं लाइव केसेस दिखा देता हूँ उनको। हर पेशेंट अलाउड नहीं करता, पर फिर भी कोई ना कोई ऐसे पेशेंट होते हैं जो इस बात की कॉन्सेंट दे देते हैं, तो मैं लाइव दिखाया तो उनको ये लगा कि शायद मैंने कोई बहुत ही बड़ा काम कर दिया 10-15 मिनट में पेशेंट को ठीक करके। ये कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है, एक बहुत ही छोटी सी क्रिया है। ये उस सिस्टम को, उस टेक्निक को प्रॉपर समझने के बाद ये घटनाएं ऑटोमेटिक ही घटती जाएंगी। बहुत लोग जिन्होंने इस सिस्टम के बारे में सुना, जैसे मैं कहता हूँ मेरे अपने वर्किंग का जो तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया उसका इफेक्ट मेरे पास लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से डॉक्टर साहब ने बताया कि हम लोग इसको प्रैक्टिकली यूज कर पा रहे हैं। बस देखो मैं टीचर तो नहीं हूँ, वो तो हमारे टीचर हमें सही रास्ता हर वक्त दिखाने के लिए तत्पर हैं और हम उनसे सीखते रहते हैं। और मेरी विनती भी है कि आप सब लोग हमारे मेन सोर्स है जो गंगोत्री से जुड़े, ताकि उस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ साथ हमें उसका प्रॉपर ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि कैसे हम इस प्रैक्टिकल तक पहुंचे। मैं तो सिर्फ प्रैक्टिकल ही बता रहा हूँ, वो रास्ता वो हमारे टीचर बताएंगे। हम उनको सुने, उनकी बात सुने, उनकी बातों को सुन के, जैसे लास्ट सेमिनार में पिछली बार डॉक्टर जोगेश सहगल साहब ने बताया था कि सेंटर की क्या इम्पोर्टेंस है, हम कैसे सेंटर को लेकर के
पेशेंट के अंदर चल जाते हैं, और उस सेंटर की इम्पोर्टेंस क्या है कि हम पेशेंट को उसकी पैथोलॉजी सब कुछ ठीक कर पा रहे हैं। मैं उसी के हिसाब से आज एक केस आपके साथ डिस्कस करूंगा। हम प्रैक्टिकली बात करें कि कहाँ हम फेल होते हैं, कहाँ हम कामयाब होते हैं, तभी हम सीख पाएंगे। अगर हम सिंपली अपनी कामयाबियों को ही बताते रहें कि मैंने ऐसे किया, ऐसे ठीक हो गया, ऐसा किया, ऐसे ठीक हो गया, उसमें अगर हम अपनी पूर्णताइयों को, नाकामयाबियों को, फेलियर्स को नहीं डिस्कस करेंगे ना, तो हम कामयाबी की ओर भी नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि फेलियर्स हर जगह होते हैं, हर डॉक्टर के पास होते हैं, हमारे टीचर्स के पास भी होते हैं, हमारे पास भी होते हैं, आपके पास भी होते हैं। जब हम किसी को ये बताने लगे कि मैंने इसको ये किया, वो सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया, ये एक डिल्यूजन पैदा करता है कि भी शायद हम नहीं कर पाए हैं उतना। ऐसी बात नहीं है, हम टोटली प्योर प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिस में हर रोज हमारे साथ घटनाएं घटती हैं उसको हम शेयर करेंगे आपके साथ। तो आज एक मैं बहुत अहम केस जिसमें बहुत बार मैं फेल हुआ, मैं उसके बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा। वो माता जी मेरे पास 1 साल से करीब मेडिसिन के लिए आते रहते हैं। उनको टांगों में बहुत दर्द था, बैक पेन था, वो इतना झुक के चलती थी कि इस एंगल में उनको झुकना पड़ता था, खड़े होना भी पड़ता था बहुत ही मुश्किल से, इस एंगल से ज़्यादा वो नहीं हो सकते थे, वो भी अपने आप को बहुत अच्छा पकड़ के करना, और घुटनों में दर्द और लेफ्ट लेग में इतना पेन, बहुत ज़्यादा पेन था। मैंने पहले जब मेरे पास वो आए, बोला कि बेटा तेरा नाम सुना है मैंने, उसके हस्बैंड ने ये बताया कि डॉक्टर साहब हमने जब डेंगू हो गया था तब आपके पास एक मेडिसिन ली थी, तो उसके बाद मैं बहुत ठीक हो गया था, मैं तो मरने वाला ही था, तो आपने मेरे को ठीक कर दिया था। उसके बाद में मैंने आपके पास सैकड़ों पेशेंट भेजे हैं, सभी के सभी ठीक हुए हैं। तो हमने सोचा कि आपसे इस जो हमारी बीमारी है इसका भी इलाज करवाया जाए, उसके लिए हम आपके पास आए हैं, आप इनको भी देखो। मैंने माता जी से पूछा कि आपको क्या तकलीफ है, बोली कि बेटा बस यही तकलीफ है मेरे को, मेरी टांग में दर्द होता है, मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ, बहुत तकलीफ में रहती हूँ, कभी कभी रोना भी आ जाता है, तो बस इतना तकलीफ हो जाती है ना, बस मैं तो कभी भी के परमात्मा की बोलती हूँ कि मेरे को उठा ही ले। दो तीन बातें और उन्होंने बताई, तो मैंने उनको बेलाडोना 30 दी। बेलाडोना 30 देने से उनको थोड़ा रिलीफ हुआ। चलो पेशेंट को क्या होता है कि जब कोई क्रोनिक पेशेंट होता है बहुत देर से वो तकलीफ में होता है, तो वो थोड़ा सा रिलीफ को लेकर भी के वो सेटिस्फाई हो जाता है। पर एज ए होम्योपैथ हमने ये देखना है कि हम मैन को ठीक कर रहे हैं या उसकी बीमारी को, वो हमारी ड्यूटी है। कई बार क्या होता है कि मेडिसिन देने के बाद स्पोर करो आपने किसी स्किन पेशेंट को दवाई दे दी, उसकी सारी रिएक्शन चली गई, तो पेशेंट भी कहता कि मैं ठीक हूँ, लेकिन कुछ देर के बाद में पेशेंट वो फिर से आता है या किसी और डॉक्टर के पास चलता है कि भाई मेरे को वो तो स्किन डिजीज, तो मैंने डॉक्टर साहब ने बड़ा कमाल कर दिया, वो ठीक हो गया, अब मेरे को नींद नहीं आ रही है, थोड़ा भूख भी नहीं प्रॉपर लग रही, वीकनेस रहती है, अब इसकी दवाई दे दो। बींग ए होम्योपैथ और वी आर वर्किंग ऑन माइंड टेक्निक, वर्किंग ऑन माइंड सहगल टेक्निक, हमने पढ़ा है हमारे लिटरेचर में कि मैन को ठीक करना है, डिजीज को नहीं। तो वो जो हमने इरप्शंस को या जो हमने उसकी कोई
और तकलीफ को, पेन को ठीक कर दिया, बट आपका मैन नहीं ठीक हुआ। तो फिर से आपको वही सेटअप चेंज करना पड़ेगा, मेडिसिन को फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर से आपके वो सिम्टम जो डिवेल्प रीडेवेल्प भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी नींद, उसकी भूख प्यास, ये सब चीज़ें पहले नंबर पे ठीक होनी चाहिए। पेशेंट के अंदर वेल बींग आनी चाहिए। पेशेंट जैसे पहले था, जो उसकी हॉबीज थी, जो उसकी रुचियां थी, जो उसके मन की भावनाएं उसको खुश करने वाली थी, जो वो खाता पीता था, जो वो इंजॉय करता था, वो हर चीज़ वापस आनी चाहिए, तो हम उसको क्योर मानेंगे। ऐसा ही इस पेशेंट में जब मैंने देखा कि उसका पेन भी ठीक हो रहा, उसका वो 70% ठीक हो गए। जब पेशेंट 70% ठीक होता है, तो हमारी उसकी 8-10 साल 20 साल से हो, तो पेशेंट सेटिस्फाई हो जाता है, पर हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती। मैं बार बार जब भी वो मेरे पास आते थे, मैं उनको हर बार यही बोलता था कि माता जी कुछ और लग रहा है मेरे को, कुछ और बताइए आप, कोई और दिक्कत है आपको? नहीं बेटा कुछ नहीं है, बस ये ठीक कर दो और कुछ नहीं है, बस यही प्रॉब्लम है। तो 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने मैंने उसकी पोटेंसी जी बढ़वाई, मैं 6 भी दी, 200 भी दी, 1 m भी दी, पेशेंट इम्प्रूव होता गया। बट उसका जो मेन पोस्चर ये था, उसमें कोई अंतर नहीं आया। उसको नींद रात को पेशेंट को कम आती थी। पेशेंट ने बोला कि सर बीमारी की वजह से, पेन की वजह से मेरे को नींद नहीं आती थी, अब पेन तो कम हो गया है पर नींद थोड़ी कम आती है। चलो छोड़िए, नींद नूंद की कोई बात नहीं है, ऐसे तो होते ही रहता है, बस मेरा पेन पूरा ठीक कर दीजिए आप। मैंने सोचा कि मैंने वेलाडोना 1 m तक भी गया, तो पेशेंट के टोटल पैरामीटर ठीक नहीं हुए, वो वेलबींग पेशेंट में नहीं आई। एक बार अचानक क्या हुआ कि नेचर हर इंसान की हेल्प करती है। वो मेरे पास अकेले आए, उस दिन उनके साथ कोई अटेंडेंट नहीं था। वो फटाफट अंदर आए, बोले कि बेटा मैं ना आपको एक बात बतानी है। मैं कहा माता जी बताइए। उन्होंने बोला मेरे को डर बहुत लगता है, बहुत डर लगता है। मैं कहा किस बात का आपको डर लगता है? बस ये ना पूछे आप मेरे से, बस ये तो पूछो ही ना, मेरे को तो बहुत डर लगता है। माता जी आपने पहले क्यों नहीं बताया मेरे को? क्या बताऊं, कैसे बताऊं आपको, बस बस बता तो दिया आपको। मैंने सोचा कुछ तो है जो इनको लग रहा है कि वो बताने के लायक नहीं है, या वो बताना चाहते हैं किसी वजह से वो नहीं बता पाते। तो उन्होंने बोला कि बेटा मेरे को ना इतना डर लगता है ना, मैं तो किसी को कुछ कहना होता है घर में, मैं तो वो कह ही नहीं पाती, मेरे में तो वो हिम्मत होती नहीं है। तो मैं तो डर बार डर के मारे चुप ही कर जाती थी। ऐसे अगर मैं कुछ बोलूंगी तो घर में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा होगा तो परेशानी होगी, हमारी बेइज्जती होगी इस बात में कि भाई इतने सियाने आदमी है, ये इस घर में ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है माता जी, और कैसे, ये कैसे आपका ये डर कैसे शुरू हुआ? बेटा बस ये तो बात ही आप मात पूछो, बस आप ये दवाई दे दो मेरे को। माता ऐसा नहीं हो सकेगा, आप मेरे को प्रॉपर बताइए कि असल में डर का कारण क्या है। उसने ऐसे सांस लिया, बोला कि मैं क्या बताऊं आपको, बस बेइज्जती होती है, मैं नहीं बता सकती, क्या बताऊं मैं आपको।
हमारा बहुत ही बड़ा प्रभार था। हाँ, उन्होंने ये भी बोला कि कहीं आपने बताना नहीं, आपके पास सब लोग आते हैं घर के, आपने किसी बात नहीं करनी। ठीक है माता, नहीं करूंगा। तो उन्होंने मेरे को बताया कि बेटा ये तो बहुत ही सालों की बात है, अब तो 30 साल भी ज्यादा, 40 साल हो गए, मैं तो तब से तड़प रही हूं, मैं तो दब गई हूं इन बातों से कि मेरी कौन चलती थी, कौन पूछता था मेरे को। जब मेरी शादी हुई उसके पहले हमारा बहुत अच्छा भला परिवार था, वहां पर मेरे को बहुत सत्कार भी मिलता था और हमारे परिवार की इज्जत मान सत्कार लोगों में बहुत था। शादी होने के बाद मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे थे, जो बाकी परिवार था वो बहुत ही गर्म मिजाज के थे और बहुत ही वो लोग मिसबिहेवियर करते थे। उन्होंने दूसरी औरतों को भी घर से निकाल दिया, जो मेरे मेरे हस्बैंड के बड़े भाई थे उनकी औरतों को, तो मैं तो सहमी सहमी रहती थी। मेरे को तो इतना इजाजत ही नहीं थी कि मैं अपने मन की बात भी किसी को कह पाऊं। मैं इनको भी कहती थी, ये तो खुद डरते थे उनसे, मेरे को बोलते तू चुप हो जा, तैने बोलना नहीं है, तू चुप हो जा। बस मैं चुप रही, मैं कुछ बोला ही नहीं। मेरे को भी डर था कि पहले मेरी बड़ी जेठानी, उसको भी घर से निकाल दिया, उससे बड़ी उसको भी निकाल दिया, अब मेरी बारी आ जाएगी, मेरे को भी निकाल देंगे। कई बार ऐसा हुआ भी मेरे साथ, तो हमारी तो पूरी बेइज्जती हो जाएगी इस बात में। तो मैं तो डर के बारे में बोली ही नहीं, कुछ मैंने बात नहीं की, चुपचाप मैं तो सहन करती रही। मैंने सोचा कि मैं सोच रहा था कि शायद मैं इसके रियल स्टेट तक पहुंच चुका हूं पहले, जो पेशेंट बात बोलता है तो उसको मैंने समझने की कोशिश की, मैंने मेडिसिन देने की कोशिश की, पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ भी आया, पर पेशेंट क्योर नहीं हो पाया। क्यों? हम उस सेंटर को नहीं छू पाए जिसके लिए हमें डॉक्टर योगेश सहगल जी ने उस दिन काफी अच्छे ढंग से पढ़ाया था कि कैसे सेंटर को हम ढूंढ करके उस पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। तो सेंटर तो उसका कहीं और ही पड़ा था, सेंटर तो किसी और ही बातों से प्रभावित हो रहा था जिसको हम देख ही नहीं पाए। तो उनको मैंने मेडिसिन दी, जो मैंने समझा अपनी सूझ के अनुसार। तो 15-20 मिनट मैंने बिठाया, इसे मेरी आदत ही बन चुकी है कि पहले तो हम इमरजेंसी में ही ऐसा करते थे, अब तो मैं क्रॉनिक से क्रॉनिक पेशेंट में भी करता हूँ। हर क्रॉनिक पेशेंट में एक एक्यूट सिम्टम जरूर होता है जो आपके पास आता है। ये मेरा एक तरीका है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप इसको यूज करके देखना, आपको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा तो छोड़ देना। जब भी पेशेंट कोई भी कितना भी क्रॉनिक पेशेंट हो, बेशक वो 40 साल का भी क्रॉनिक पेशेंट हो, उसमें भी एक एक्यूट अवस्था होती है। जैसे वो पेशेंट में क्या था, वो बोल रही थी कि मेरे को बहुत दर्द होता है, और वो दर्द तो अभी भी हो रहा है ना, वो प्रेजेंट में भी हो रहा है, वो प्रसिस्ट भी कर रहा है, और प्रोडोमिनेंसी किस बात की है, वो क्या उसको घबराहट बहुत हो रही है, अब भी हो रही है। ये तो पेन तो 40 साल से हो रहा है, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं उसके, अब भी जस्ट नाउ वो चीज जो है, आप उसके ऊपर नजर रख के अपनी यात्रा को देखेंगे कि क्या हमारी वो यात्रा सही से हो रही है कि नहीं। तो वही बात मैंने की कि उनको काफी तेज पेन हो रहा था, उनको घबराहट बहुत हो रही थी। तो 15-20 मिनट के बाद में उनको पूछा कि माता दर्द कैसे है आपका? बेटा दर्द तो वैसे ही चल रहा है, उसमें तो कुछ नहीं लग रहा। हाँ, जो आपको वो थोड़ी घबराहट सी हो रही थी वो कैसे लग रही है?
हाँ वो तो थोड़ी सी ठीक लग रही है, शायद बाहर एसी चल रहा था उसी की वजह से हो सकती है। तो और कुछ आपको कुछ अच्छा लगा? बस यही है, थोड़ा सा पता नहीं आपसे मैंने बात कर ली उसकी वजह से मेरा मन थोड़ा हल्का हो गया। मैंने आपको अपना दुख बता दिया कि मैं इतने सालों से वो तशद्दद झेला जिसकी वजह से आप मेरी ये पोजीशन हुई, तो मैं बता ही नहीं सकी आपको कैसे बताती। बेइज्जती होती है इन बातों से। तो मैंने एक डोज उसी मेडिसिन की और डाल दी, वो इसलिए कि 15 मिनट इसी बहाने और बैठ जाएंगे। 15-20 मिनट के बाद में फिर पूछा, बोली तो कि हाँ तो ये काका तुमने दवाई मेरे को पहले नहीं दी कभी। मैंने सोचा भी बात तो कुछ है। हाँ माता बिल्कुल बताइए, क्या आपको क्या लग रहा है कि मैंने आपको ये दवाई नहीं दी? हाँ मेरे को ये लग रहा है कि इस दवाई ने मेरे अंदर से जो मेरी तकलीफ हो रही थी मन को, उसमें मेरे को राहत लगी है, वो आज तक कभी नहीं मिली थी। जी सेंटर है यहाँ पर, सब चीजें इकट्ठी हो करके उसको प्रभावित करती हैं। वो हमारा जो जीवन का स्रोत है वो प्रभावित हो रहा है उन बातों से। वहीं से वो दिक्कत शुरू हुई और वहीं से वो ठीक होनी भी शुरू होगी। तो मैंने 3 बार डोज डाली, पेशेंट ने थोड़ा सा कंफर्ट बताया, बेसिक पेन में कोई कमी पेशेंट ने नहीं बताई, पर मेरे को लगा कि अब हमारी जो यात्रा है वो तो हमारे मुकाम तक ले जाएगी, हम सही डायरेक्शन में हैं। तो मैंने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए पेशेंट को 3-4 दिन के बाद रिपोर्ट करने के लिए बोला था। तो 4 दिन के बाद पेशेंट जब मेरे पास आया वो हंस के बोले, उस दिन भी बाई चांस वो अकेले ही आए, बेटा एक तो बात ठीक है कि मेरे को नींद भी सही आई, पहले से तो ठीक आई। अब जो खाना बाना भी मेरे को, मैं ऐसे ही खाना खाती थी कि भाई अब सुबह 9 बज गए, अब हमने खाना सुबह का खाना है, और दोपहर को 1:30-2 बजे हम दोपहर का खाना खाना है, और शाम का टाइम हुआ तो शाम का खाना है। वो अंदर से ना मेरे को वो ऐसे नहीं लगता था कि मेरे को भूख लगे तो मैं तब खाना खाऊं। अब काका जो तूने आज दवाई दी थी ना परसों चौथ मेरे को, उससे मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि खाने का ना थोड़ा स्वाद आने लगा मेरे को, और थोड़ी सी नींद में फर्क पड़ा। एक और आपकी दवाई ने बहुत ही बड़ा साइड इफेक्ट कर दिया भाई। वो क्या? वो परेशानी बहुत हो रही है मेरे को। आपने तो मेरे भूले भुलाए दुख आपकी दवाई ने तो सभी मेरे सामने लाकर रख लिए। वो माता जी कैसे? बेटा मैं इतनी रोई हूं ना इन 3-4 दिनों में, इतनी रोई हूं, मैं अंदर जा जा के रोती थी और मैं किसी को बताती नहीं थी। वो जख्म तो आपने ताजे कर दिए मेरे, इतने ताजे हो गए, मेरे को ये लग रहा है कि मैं अब वही दुख झेल रही हूं, मेरे को वो बातें मेरे कानों में सुनाई दे रही हैं। मेरे को लग रहा है कि मैंने उस टाइम में ये बात उसको क्यों नहीं कही, मैंने ये दुख क्यों झेला, मैं उस टाइम में क्यों नहीं ये बात को कह पाई। मेरे को इतना, मेरे मन परेशान हो रहा है, इतना परेशान हो रहा है, वो रह रह के ये बातें मेरे मन में आ रही हैं कि मैं उस टाइम में ये क्यों ना कर पाई, क्यों मैंने अपने आप को बर्बाद कर दिया। तो बहुत रोई मैं, बहुत रोई, 4 दिन हो गए मेरे को रोती को। और कल की बात है, मेरे को नींद में कोई भी ऐसी बात नहीं आई। सुबह तो मैं उठ नहीं पाती थी, मैं ऐसे उठती थी जैसे मैं सोई नहीं हूं। चलो बुजुर्ग हो गए, मैंने सोचा कि ये इसी वजह से होगी, 80 के करीब एज है, तो मैं अच्छी ताजी उठी हूं। और मैं एक और बात बताऊं, को जब मैं कहीं मंदिर में जाती हूं वहां मैं प्रेयर करती थी, पहले मेरी पोजीशन थी कि मैं सीधी खड़ी नहीं हो पाती, मैं ऐसी पोजीशन में, हाथ से बताता हूँ, इस पोजीशन में ही रहती थी। अब मैं इस पोजीशन में आ गई, मैं पहले
बहुत ही जोर से सपोर्ट करती थी अपने आप को, बहुत जोर से पकड़ के रखती थी, तब मैं रुकती थी। लेकिन अब मैं उसको बहुत हल्का सा सपोर्ट देती हूँ, मैं खड़ी हो सकती हूँ। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। अब सेंटर ने पैथोलॉजी को ठीक करना शुरू कर दिया। तो उसके 10 दिन बाद वो फिर पेशेंट मेरे पास आया, फोन पे बात हुई थी, बोले कि मैं ठीक हूं, मेरी दवाई भेज दीजिए आप। मैंने फिर उनके अटेंडेंट को बोला कि भाई आप मेरे पास उनको लेकर आओ। बोले कि नहीं, वो ठीक है, बस दवाई चाहिए, उनको दवाई दे दो। ये बात ये 2 मिनट की थी, बट ये यात्रा अगर मैं आपके साथ शेयर नहीं करता तो आप भी इस बात को प्रॉपर नहीं समझ पाते। तो मैंने उसको क्या दिया होगा, और मैंने अकेली बेलाडोना के साथ शायद एक दो दो चार मेडिसिन और भी दी थी। मेरे को लगता है कि मैंने उनको क्रिकेरिया कार भी दी थी, और एक दो बार मैंने शायद रस्टॉक्स भी दी थी उनको। सभी चीजों का यही इफेक्ट हुआ कि पेन कम रहता था, वो मेरे साथ स्टिक हुए चले आए 1 साल से, पर वो क्योर नहीं हो पाए। तो आप सब का क्या विचार होगा इसमें, कि आपको क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है? सर सीक्रेटिव, हाँ, ये भी सर हो सकता है, डोमिनेशन, डोमिनेशन बिल्कुल ये भी हो सकता है। सर, सर इमोशनल इमोशन, जी हाँ, एक सप्रेस्ड एक एक करके, क्या कौन बोल रहा है? एंगर, फिर दो लोग बोले, एक एक पहले बोलो, एक बाद में बता दो। बहुत अच्छा बता रहे हैं आप, एक एक करके बोल के बताइए हम। सर जी इमोशंस सप्रेस्ड, ओ वेरी इमोशंस गुड, हाँ सही बात आपने बताई, बिल्कुल सही बात है। डिल्यूजन टॉर्मेंटेड, हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात बताई आपने। सर एलमेंट फियर फ्रॉम ऑफ बिलीविंग, जी हाँ, बोलिए बोलिए, हम पढ़ रहे हैं क्लासरूम में, हम इकट्ठे बैठ के पढ़ रहे हैं। एलमेंट फ्रॉम फ्राइट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आगे आगे बताओ। देखो मेरे को कितना कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे, जो कहीं मैं शायद भूल भी गया होगा तो भी मेरे सामने आ रही है आज बातें। सर ये ऐसे भी है कि इसको तब का डर अभी भी है, ये कह रही है मैं तो डरती हूँ, आके इसने बोला मैं तो अभी डरती हूँ, जी मैं बोलती नहीं हूँ, तो ये फियर ऑफ फ्राइट रिमेनिंग है, तब से डर इसका अब तक चला आ रहा है, हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे और हैं आप। इसने ये भी बोल और रही है कि बेइज्जती होगी, तो इसको अपना ह्यूमिलिएशन का भी डर है, इंसल्ट का भी डर है बिल्कुल इसको। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और तो ये कोई इसको इसको क्या लग रहा डॉग्स है कि मैं बोल देती हूँ, ये क्या बोलती उस समय, इसने क्या बोला कि मैं उस समय बोल देती, क्या बोलती है? हाँ, वो बोली थी ना कि वो रातें, रात को जब मैंने मेडिसिन दी वो उसकी 3 4 रातें, रात को उनको इतना रोना आया, इतना रोना, वो बोली कि मेरे को दिन में भी आता था, मैं सबके सामने रोती नहीं थी कि लगता था कि मेरी इंसल्ट होगी, ये क्या कर रही है। तो वो रात को रोती रहती, रात को इतने विचार उसके मन में आए, तो जो उस समय में, आज से 40 साल पहले में, उनने जो फैमिली में गलत बातों को सहन किया, उनको ये लग रहा था कि मैंने उनको तब ये कहने दिया, अगर मैं ये कहती, मैं ये कह देती, मैं वो कह देती, पूरा उथल पुथल उसके दिमाग में इतनी ज्यादा आई, वो अपने आप चली गई। तो ये अनडेमोन्स्ट्रेटेड ग्रीफ भी है क्या, इसने बताया राइट नहीं राइट, किसी ये को? भी हो सर सकता ये है। एक रूब्रिक है ना, कितने अच्छे माइल्डनेस अच्छे रूपरेखा बता रहे हैं आप। हाँ बताइए बताइए, हम सब लोग सीख माइल्डनेस, चुके हैं, आप इसको भी नोट कीजिए जो ये डॉक्टर साहबान बता रहे हैं। क्या सर बताया एक इसके रूब्रिक है पहले ना, किसने, एक रुकिए, आपसे माइल्डनेस, पहले, मैंने सर हाँ अनडेमोन्स्ट्रेटेड ग्रीफ बताया, अनडेमोस्ट्रेटेड ग्रीफ, हाँ जी हाँ जी, ओके, इसको भी आप नोट कीजिए। हाँ हाँ डॉक्टर साहब आप माइल्डनेस, बताइए आप। माइल्डनेस कंप्लेनिंग बियर्स सफरिंग इवन आउटरेज विदाउट, माइल्डनेस, हाँ
इसमें हम देखते हैं। इग्निशी है ना। ओके हाँ बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छी बात है आपकी। सर ये फ्राइट प्रोलॉन्ग्ड भी है ना, लॉन्ग लास्टिंग फ्राइट, मतलब वो दहशत हाँ में ही जी बिल्कुल, रहे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो कितनी आपके इनपुट्स कितने अच्छे आ रहे हैं, तो मैं इसको और ऐड करूँगा। आप वही दवाई के बहुत नज़दीक हैं, तकरीबन सही ही है, और जो चीज़ें मैं मिस कर गया या जो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने जो सरफेस पे देखा मैंने उसके ऊपर प्रेस्क्राइब कर दिया, लेकिन ये बातें तो बहुत अच्छी बता रहे हैं आप। सर उसको ये डर था कि माहौल खराब हो जाएगा, हमारी बदनामी हो जाएगी, हाँ तो ये बिल्कुल फियर ऑफ था, पोल्यूशन भी हो सकता है क्या? पॉल्यूशन भी हो सकता है, बट पॉल्यूशन से ज्यादा ये भी सोच लो आप कि भाई इंसल्ट हो गई परिवार की, मेरी इंसल्ट हो जाएगी, बस सीधा सा ही। पॉल्यूशन भी हो मॉर्टिफिकेशन सकता है, सर, हो सोशल सकता है पोजीशन का पॉल्यूशन ज्यादा में है, भी ये मेडिसिन आती हो, मैं देख लेता हूँ। सोशल पोजीशन का ज्यादा है, फियर ऑफ सोशल पोजीशन। हाँ बट सोशल की बात खैर उसने वो नहीं कही, उसने बोला कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर मैं जहां से निकल के अपने घर भी चली गई, वहां पर भी मेरी इंसल्ट होगी कि तुम अपने परिवार में क्यों नहीं रह पाई, तू भाग जा जहां से, वो मेरे को फिर वापस करेंगे। फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड, हाँ ये भी लगा सकते हैं हम, नहीं ये तो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखो पेशेंट तो मेरे सामने था, आप लोग दूर से अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा रहे हैं। ये नहीं है कि आपने वो चीज प्रॉपर नहीं बताई या आपने वो नहीं किया, ऐसा बात नहीं है। सर ये नैट्रम व्यू है क्या? वो हम बाद में सोचते हैं क्या है। सर ये कॉवर्डिस में भी है कि अपना ओपिनियन या अपनी बातें नहीं सामने रख पा रही है, हिम्मत नहीं है उसमें। हाँ ये भी है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं है, सब चीजें हैं इसमें। देखो आज तो कमाल के रूबरू दे रहे हो आप मेरे को, सच में फियर फ्रॉम क्वारलिंग सर, झगड़ा से डर लगता है उसको। हाँ ये भी लगता है, बट डर क्यों लगता है वही बात फिर आगे सामने आएगी। उसको बोलेंगे ना, हम पूछेंगे, अगर किसी ने बोल दिया कि मेरे को झगड़े से डर लगता है, तो आप उसको ये पूछिए भाई क्या बात है, क्यों, उससे क्या हो जाएगा आपको। कोई तो बोलेगा भाई मेरे से तो सहन ही नहीं होता, मेरे को घबराहट होती है। कोई बोलेगा जी मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, कोई बोलेगा मैं तो लड़ ही नहीं, मेरे तो हिम्मत ही नहीं है लड़ने की। मतलब वो उसका वो जो कॉइल है उसको अलग अलग तौर पे प्रभावित करेगा, जो उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा है उसको हम कंसिडर करेंगे। वो उसका पर्सनल फियर है या उसकी वो पर्सनल प्रॉब्लम है वो हम देखेंगे। जो आप कह रहे हैं वो सही स्टेफिजेग्रिया भी है, हो सकती है ना सर, कि स्टेफिजेग्रिया को भी असर लगता है कि मैं कुछ बोलूंगी सब इंसल्ट ना हो जाए, उसके अंदर हिम्मत नहीं है बोलने की। हाँ बिल्कुल ऐसा भी है। नहीं एंगर कितना बहुत ही सोचा है आसपास कि हैं हम, आप बहुत ही अच्छे से चल रहा है ये हमारा सेशन, बहुत एंगर कमाल का कितना है सप्रेस किया जी। हुआ है इसने। सर एनएम फ्रॉम ग्रीफ, साइलेंट साइलेंट ग्रीफ। ओह वेरी गुड, हाँ ये भी हो सकता है। फीलमेंट्स प्रो, मैं भी देखता हूँ इसमें क्या वो मेरे से आ रही है, क्योंकि सर जरूरी नहीं है कि मैं हर कार्सिनोसिन, रूब्रिक लगा पाया। फीलमेंट्स सर इसे प्रो ये कार्सिनोसिन की तरफ भी हो कार्सिनोसिन, सकता है कि डोमिनेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यस जी कार्सिनोसिन, ये कार्सिनोसिन ही है, मैंने उसको वाह कार्सिनोसिन ही थर्टी दिया। थैंक्स वेरी मच, आप लोगों ने मेरे को और बहुत अच्छी बातें बताई कि जो शायद उस टाइम में मेरे पास वो इतना जो तो समय की वजह से या वो सरफेस पे नहीं थी, लेकिन अंदर ये सब कुछ था उसका। कितनी प्यारी बातें आपने बता दी, कमाल की बात है। रियली आई एम थैंकफुल ऑल ऑफ यू कि आपने मेरे को इतने अच्छे सिम्टम बताए कि हम सब लोग बैठ के, यही तो क्लासरूम है, यही तो हम सीख रहे हैं एक दूसरे से, यही तो हमने बातें करनी है कि वो पैसे कैसे जर्नी चली उस पेशेंट की। 1 साल वो दवाई लेता रहा पेशेंट, और इतनी मैंने मेडिसिन दी, मैंने अपने आप को समझा कि मैंने ये कर, मैं हर रोज हर बार जब भी वो मेरे पास आते मैं 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगाता था, 10-10 मिनट एक्स्ट्रा लगाता था कि माता मेरे को और बताइए आप, कुछ और है आपके मन में, कुछ मेरे को लग रहा है कोई और बात है। वो मेरे को फील हो रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने मेडिसिन दी हो कि पेशेंट अंदर से क्योर ना हो,
ये हो ही नहीं सकता। मेरे को इस बात का गर्व है डॉक्टर एम एल सहगल साहब की शिक्षा के ऊपर कि जो उन्होंने हमें ज्ञान दे दिया। ये हो ही नहीं सकता कि पेशेंट ठीक ना हो अगर आपने उसका सेंटर को पकड़ लिया। मैं कहीं मिस करता कर रहा था कुछ चीजों को, मैंने वो चीजों को ढूंढने की कोशिश की, मैं ढूंढ नहीं पाया। पेशेंट ने मेरे को मौका ही नहीं दिया वहां पर जाने का, वो उसका जो अंदर सेंटर था ना वहां पर पहुंचने का मौका नहीं दिया। तो मौका मेरे को परमात्मा ने दिया कि मेरे को वो सम्मान मिलना था कि मैं उसको ठीक कर पाया। तब उन्होंने खुद ही मेरे को ये बातें बताई। और ऐसे बहुत बार ऐसी घटनाएं होती हैं, आप भी इन सब चीजों को मद्देनजर रख के ही पेशेंट को देखना। और इस सबसे हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि पहले भी मैंने एक बार बात बताई थी कि भाषा और भावों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है कि आपका भाव क्या है, आपकी भाषा क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं और कह क्या रहे हैं, इनमें जमीन आसमान का फर्क आता है। कोई आदमी बोलता है मैं तो आपको बहुत ही प्यार करता हूं, मैं तो आपको बहुत ही प्यार करती हूं, अरे कोई जरूरी नहीं है। आपका जो कहा हुआ बात, आपके जो कहे हुए लफ्ज कहाँ मिलेंगे, हम सरफेस पे आएंगे। जो आप कर रहे हैं ना वो आपका कृतज्ञ है, वो जो आपकी भावना को प्रकट कर देगा, वो छुप नहीं पाएंगी वहां पर, वो नहीं छुप पाएंगे, आपका कहा हुआ गलत साबित हो जाएगा। इसलिए हमने ये देखना है कि हर पेशेंट को आप उसको मौका दें, कोशिश कीजिएगा कि हम उसको मौका दें कि आप वो अपने मन की बात बता सके। मौका तो मैंने भी बहुत दिया, बहुत बार हर बार मैं सोचता था पर उन्होंने बताया ही नहीं। चलो नेचर ने हेल्प की कि हमें मौका मिला कि हम ऐसे से उस पेशेंट का सेंटर पकड़ पाए। तो क्या हुआ, देखिए आप सब लोग ऐसे ही देखते हैं कि उसका एलिमिनेशन कैसे हुई। एलिमिनेशन उस चीज की होती है जो चीज बॉडी में स्ट्रक होती है, वो स्ट्रक होने के बाद में जो पेशेंट को बीमार करती है। ये नहीं है कि आपने मेडिसिन दी उसको लैटरिन लग जाए, उसको डायरिया हो जाए या उसको लूज मोशन लगे, ये हर जगह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें अंदर फीकल अकोमोडेशन की वजह से पेशेंट बीमार नहीं हुआ। ये जरूरी नहीं है कि उसको बलगम निकले, जरूरी नहीं है उसको पसीना आए, जरूरी नहीं है कि उसको बुखार हो जाए। जो चीज उसके अंदर दबी पड़ी है, जिस दबाव की वजह से पेशेंट बीमार पड़ा है, वो चीज सामने आएगी। ये पेशेंट हमारा बीमार था इमोशन दबने की वजह से, डर अंदर आ गया, डर ने दबा लिया इनको, तब पेशेंट बीमार हुआ। वही चीजों को देखो कमाल हो गई 40 साल के बाद में, कार्सिनोजन की डोज अंदर जाते ही कमाल हो गया कि सब बातें जो अंदर दबी पड़ी थी पर्सनैलिटी के ऊपर, जिन बातों ने पर्सनैलिटी को दबा लिया था, इतना इतना कुचल दिया था कि बॉडी बर्बाद हो रही थी, वो आज बातें सब निकल के आगे आ गई, वो जहर बाहर निकल गया। ये हम कर पाए उस पेशेंट के लिए। आप सब लोग जब देखोगे तो यही घटनाएं आपके साथ भी घटेंगी, ऐसा ही होगा। तो अब हम देखते हैं कि मैंने क्या क्या किया, और बहुत अच्छे, रियली आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू कि आप लोगों ने मेरे को बहुत अच्छे सिम्टम दिए, बहुत अच्छे रूब्रिक दिए। तो हम डिस्कस, डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड भी आ सकता है ना। जी 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 हाँ डॉक्टर साहब, बिल्कुल वो मैंने वही लिए, जो सिम्टम मैंने लिए मैं वो बता रहा हूँ, जो आपने लिए मैं वो भी डिस्कस करूंगा आज। देखो इसका मतलब ये है, वो उस घर में लंबे टाइम तक इसीलिए टिक पाई कि वो प्लीजिंग, डिजायर टू प्लीज में चली गई। अगर वो प्लीजिंग नहीं करती तो वो शायद नहीं टिक पाती, जैसे और लोगों को निकाल दिया गया, क्योंकि सर वो डोमिनेशन सहन कर रही है और प्लीज कर रही है तभी वहां टिकी हुई है। और आपके पास में भी वो जब आई तो वो कुछ बोली नहीं कि कहीं कुछ वहां तक ना पहुंच जाए बात। बिल्कुल सही बात है, ये प्लीजिंग में है कार्सिनोजन, मैंने नहीं देखा, अब मैंने देखो, मेरे को देखना पड़ेगा। सर प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज में 3 मेडिसिन है, उसमें एक है, उसमें है कार्सिनोजन।
मैंने उनको ना, चलो मैं निकाल लेता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं देख लेता हूँ लीजिंग में है कि नहीं, लीजिंग में बेटा कार ये वो, और तो मेडिसिन मेरी याद है बट ये नहीं याद कि लीजिंग में है, मैं अभी निकाल के बता रहा हूँ। ये है सर, इसमें है। ओ वाओ वाओ, कमाल कर दिया आप लोगों ने तो। देखो कहाँ तक हम पहुंच जाते हैं, हमारे गुरु जी ने मेंटल टेक्निक सिखा के हमें ना एक जिंदगी के दूसरे पक्ष से जानू करवा दिया। वाओ क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। कौन से डॉक्टर थे जिन्होंने ये बात की? डॉक्टर सीमा। डॉक्टर सीमा जी, थैंक्स वेरी मच, थैंक्स वेरी मच। तो सर, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। कार्सिनोसिन ऐसे भी लॉन्ग जैसे 30-40 है, बीकेस से भी जो ग्रीफ में रहते हैं, सोरोफुल कंडीशन में जो अपना इमोशंस नहीं बता सकते हैं, तो उनके लिए क्लियरली मटीरिया मेडिका में कार्सिनोसिन इज ए वेरी इंडिकेटिव रेमेडी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा बताया आपने, आपने एकदम परफेक्ट बताया, कार्सिनोसिन ही हो सकता है। जी जी, तो आपने बहुत अच्छा बताया। देखो मैं एक और बात आपसे कहनी चाहूंगा सब लोगों के साथ, ये मैं कहनी क्या, मैं बता, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम सब सब लोग ऐसे ही बैठ के पढ़ें कि एक तो हम अपनी रेपर्टरी को हर रोज पढ़ें, अपनी रेपर्टरी को हर रोज पढ़ें, बेशक एक रूबरेक, दो रूबरेक, तीन रूबरेक, उनको हम पढ़ते रहें ताकि धीरे धीरे हम परिचित हो जाएं कि हमारे पास कितना खजाना पड़ा है रूबरिक का। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमारे पास क्या है तो फिर हम कैसे ढूंढ पाएंगे। तो पेशेंट को कुछ बोल दिया, अगर हमें जहन में पहले से वो बात है तभी हम उसके साथ टैली कर पाएंगे। एक तो ये कि हम जो परफेक्ट रेपर्टरी है ना डॉक्टर जोगेश सागर साहब ने लिखी है, वो बहुत ही जेन्युइन लग रही है मेरे को, मैं उसको फॉलो करता हूँ। परफेक्ट रेपर्टरी डॉक्टर जोगेश सहगल जी ने लिखी हुई है ना, परफेक्ट रेपर्टरी। हेलो, एक परफेक्ट मटेरियल मेडिका, उसके अंदर पूरे माइंड के रूब्रिक्स आपको कहीं बुक्स में जाने की जरूरत ही नहीं है, सभी बुक्स का निचोड़ वहीं पे मिल जाएगा हमें, हम उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और एक डॉक्टर सहगल साहब के जो वॉल्यूम है सबको हम डेली पढ़ना शुरू करें, बेशक आप एक ही पेज पढ़ो लेकिन पढ़ो जरूर। तो हम मैं देख बता रहा हूँ आपको कि मैंने उसको पेशेंट को कैसे लिया, उसने सबसे पहली बात क्या है, तो डॉक्टर साहब मेरे को ना बहुत ही डर लगता है, मैं तो ना डर डर के ही बस जीवन काला, मैं क्या बताऊँ आपको, बस डर से ही मैंने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया अपना। मैंने सबसे पहला रूबरिक लिया कि हाँ, उन्होंने बोला ना कि उसी की वजह से सब खराब हो गया, एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, सबसे पहला रूबरिक मैंने ये लिया। अरे पेशेंट बार बार बर्बाद कर, समझ नहीं रहे कि मैं क्यों काट रहा हूं। एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज आफ्टर बींग, सब लोग गंदा गंदा बोलते थे, मैं पति को भी बताती थी, वो बोलते थे नहीं तू चुप कर जा, तू चुप कर जा, चुप कर जा, कोई बात नहीं। एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज्ड आफ्टर बीइंग, अब्यूज हुई वो, और इतना गलत बोलते थे, गलत बोलते थे, सब मैं ऐसे ही सहन करती रही। सर डॉक्टर साहब क्या बताऊं काके तेरे को, वो मैंने झेल लिया बस कैसे ना कैसे, बहुत दुख झेला मैंने, लूजिंग अ रॉन्ग है सफर, नेक्स्ट 2 वीक मैंने जी लिया। और मेरे को तो पूछता ही नहीं था, ये तेरे अंकल भी कहाँ पूछते थे, ये मेरी कोई कीमत ही नहीं थी घर में, डिल्यूजन नेग्लेक्टेड और शी इज नेग्लेक्टेड, ये उस टाइम की बात है। और मैं तो ना बोलती नहीं थी बिल्कुल ही, मैं तो चुप्पी कर जाती थी, तो बोलूंगी क्या होगा क्या होगा, मेरे को पता नहीं क्या जवाब देंगे आगे से, तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, सब वहीं रह जाएगा, पर होना तो कुछ है ही, क्यों बेइज्जती करवाएं फिर हम। तो वो मैंने लिया, फियर ह्यूमिलेटेड ऑफ मी, और इतना लंबे समय से दबा दबा कर रखा, मेरे को किसी ने पूछा ही नहीं, बस हम तो काम करते थे, खाना खाते थे, काम करते थे, खाना खाते थे, बस ऐसे ही जिंदगी निकाल देती।
दूसरों को ये डॉक्टर साहब ने बताया, देखो वो बिजी थी, बात थी ना, हर बात को वो कह रही मेरे उस बात उस ये दिमाग में मेरे बात नहीं आई, प्लीज डिजायर टू प्लीज, थैंक यू वेरी मच। तो एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन लॉन्ग टाइम फॉर इट, ये सिम्टोम मैंने लिए थे बस, ये 6 सिम्टोम जो मैंने लिए थे वो थे, बाकी सारे सिम्टोम आप लोगों के हैं जो आपने बताया, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये बात अगर पेशेंट हमें ना बताता तो हम वहां पर नहीं पहुंच पाते। देखो डॉक्टर साहब ने एक ने बताया कि सीक्रेटिव, शिवा सीक्रेटिव, उन्होंने छुपा के रखी बात, किसके सामने प्रकट ही नहीं की, बिल्कुल ये भी है। हम पूरी रेमेडी को पढ़ेंगे तो सब कुछ इसी में आएगा, सीक्रेटिव भी थे वो, इमोशन सप्रेस्ड, कमाल कर दी किसी डॉक्टर्स ने, कितना अच्छा बताया, इमोशन सप्रेस हो गए सब उसके, तभी वो। मैं एक और बात आपसे शेयर करनी चाहूंगा, आज तक हम सुनते आए हैं कि भाई फूड पॉइजनिंग हो गई, हम सब सुनते हैं, सब लोग देखते हैं, एलोपैथी के बारे में तो ज्यादातर वही कहते हैं कि फूड पॉइजनिंग हो गई जी, अगर किसी को पेट में वो हो गया, खाना खा लिया, नाम रखा हुआ है। तो मैंने उसको बाद में अपनी जिंदगी में एक और लफ्ज ऐड किया कि थॉट पॉइजनिंग हो गई, मैंने उसको ऐड किया अपनी लाइफ, मैंने सोचा कि भाई इन विचारों की पॉइजनिंग हो गई इसको। लेकिन लास्ट में मैंने बहुत सालों से एक और पॉइजनिंग का नाम दिया कि इमोशनल पॉइजनिंग, हम बाकी सब को छोड़ दो, अगर इमोशनल पॉइजनिंग नहीं है ना तो आप कभी बीमार नहीं हो पाओगे। हर केस में आपको ये कभी ना कहीं ना कहीं उसके इमोशन जरूर डिस्टर्ब हुए मिलेंगे, तो ये इमोशनल पॉइजनिंग का केस है। तो ग्रीप, साइलेंट ग्रीप, ये डॉक्टर साहब ने बताया, मैं इसको एडिशन कर रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा रूब्रिक आप लोगों ने बताए, सीक्रेटिव, ये मेरा रूब्रिक नहीं थे, मैंने 6 रूब्रिक अपने आप लिए थे जो आपने बताए, सीक्रेटिव, इमोशन सप्रेस्ड, कमाल की बात हुई, कितना सप्रेस हुआ वो, साइलेंट ग्रीफ किसी डॉक्टर ने बताया, ये बहुत अच्छा बताया, एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, साइलेंट ग्रीफ, कमाल की बात, बहुत अच्छे रूब्रिक, प्लीजिंग, डिजायर टू प्लीज अदर, वो सारी जिंदगी उसने प्लीज करने में ही निकाल दी, और पूरा दुख झेलती रही, झेलती रही, झेलती रही, वो साइलेंट ग्रीफ बन गया उसका, और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई, एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, साइलेंट ग्रीफ, प्लीज डिजायर टू प्लीज अदर्स, उन्होंने प्लीज करने में ही जिंदगी निकाल दी। ये हमारा कार्सिनोसन का केस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आप लोगों का बहुत ही आभारी हूँ जिन लोगों ने इतने अच्छे अच्छे एडिशन दिए और हम सब लोग और अच्छी बातें बातें सीख पाए। लेकिन ये श्रेय जाता है हमारे डॉक्टर एमएल सहगल साहब को, मैं सैल्यूट करता हूँ उनकी शिक्षा को, जिनकी वजह से मैं इस इतने बड़े केस को निकाल पाया, वो पूरी डिफॉर्मिटी, ऐसे पेशेंट झुका हुआ, लेकिन आज पेशेंट ऐसे हो गया, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा जो ये कर्वेचर टाइप जो स्पाइनल का बना हुआ इतना अच्छा केस निकल जाएगा। बस वो निकालने का तरीका एक ही है कि हम पेशेंट के सेंटर को ढूंढ पाएं, कैसे हमारा सेंटर हमारी पेरिफेरी को, हमारी बॉडी को ठीक कर देता है, कैसे वो इतनी बड़ी बड़ी पैथोलॉजी को भी उखाड़ के रख सकता है। तो आज हम इतना ही करेंगे, और कोई क्वेश्चन, कोई एक बात और सर, अभी आपने कहा कि उसका स्पाइन झुक गया था, तो जब हम अपने आप को हटा के दूसरे की खुशी के लिए करते ही चले जाते हैं, यानी दूसरों को प्लीज करने के लिए ही सब कुछ करते जाते हैं, तो सर आप झुकते ही चले जाते हो, तो ये जो पोस्चर आया उसका वो बिल्कुल उससे, और जब आपने मेडिसिन दी तो वो पोस्चर सीधा होना शुरू हुआ, वो रियलाइज करने लगी कि मुझे वहां ऐसा बोलना चाहिए था, मुझे तब ऐसा करना चाहिए था, तो ये उसका निकल के आया बाहर, लेकिन पहले पहले देखो जब भी रात को सुई, पूरे के पूरे गंदे विचार जो उसको जिन्होंने तकलीफ दे दी थी, सब उसके अंदर का जो मन का बोझ था वो सब निकलना शुरू हो गया। यही एक अच्छे ढंग की एलिमिनेशन है, इसको हम एलिमिनेशन बोलते हैं। आपकी बात बिल्कुल सच है, वो मन से भी झुकती रही, वो शरीर से झुक गई, जब उसका मन झुकता 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 उसकी आत्मा इतनी झुक गई, उसका शरीर झुक,
सही कहा आपने, वेरी थैंक्स वेरी मच। उसका शरीर भी झुक गया, जब उसका मन उठना शुरू हुआ तो इधर से शरीर भी उठना शुरू हो गया। थैंक यू वेरी मच। और कोई बात सर? हाउ वुड यू डिफरेंशिएट इट विद एल्यूमिना? एल्यूमिना इज आल्सो द रेमेडी फॉर डोमिनेशन एंड इट एक्स गुड इन नर्वस कंप्लेंट्स आल्सो। देखो सर, एल्यूमिना में हेड बिलोंग्स टू अदर होता है, वो अपने दिमाग से नहीं सोचता। देखो एक बात मैं और कहता हूँ आपको, जैसे आपके सामने 5 लोग बैठे हैं, आप 5ों को बहुत अच्छे ढंग से जानते हो। मान लीजिए एक का नाम ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, एक ई है। अगर आपको ई के साथ बहुत अच्छी पहचान है, ई के बहुत अच्छे आप उसके विचारों के को जानते हो, उसकी प्रकृति को, उसकी मानसिक अवस्था को, उसकी शारीरिक अवस्था को अगर प्रॉपर जानते हो, तो ज्यादा आपको दूसरों से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ल्यूमिना में ग्रीफ नहीं होगा, ल्यूमिना में इतना सप्रेस्ड ग्रीफ नहीं है। जो सबसे बड़ी बात उस पेशेंट में है, इसलिए मैंने उसके बारे में नहीं सोचा। वो जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया, हेड बिलोंग टू अदर में, वो है, वो दूसरे के वो से वो कर रही है, लेकिन वो ये उसमें बात नहीं थी। हाँ जी, और कुछ सर? इसमें एक रूब्रिक है, एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ प्रोलॉन्ग्ड, मतलब इतने 40 साल से वो ग्रीफ में है, प्रोलॉन्ग्ड और फ्राइट में भी है, तो एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट लॉन्ग टर्म, इन दोनों में भी कार्सिनोजन है। बिल्कुल, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जो आपने बताया था पहले भी, मैं उसको बता चुका हूँ। बिल्कुल सही बात है, ये पूरी रेमेडी देखो हमने स्टडी कर लिया आज आप सबकी वजह से, और इसमें बहुत बड़े बड़े रूब्रिक हैं। वो कभी हम, मैं कोशिश करूंगा कि हम कार्सिनोजन को ही लें, एक बार कार्सिनोजन को पूरी पढ़ डालें। इतनी इतना ज्यादा यूज होता है कार्सिनोजन का, मैं डेली प्रैक्टिस में भी यूज कर लेता हूँ उसको, इवन के एक्यूट्स में भी मैं बहुत बार यूज किया है। लेकिन फिर कभी वक्त मिला तो इसके बारे में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, अब हम 10:30 हमारे हो चुके हैं। और कोई बात, अब कोई क्वेश्चन या कोई? सर, एक और भी बड़ा अच्छा रूब्रिक है इसमें, कि उसको लगता है ना मैं घर में सब शांति रहे, कुछ जो एक रूब्रिक है हार्मनी डिजायर, उसमें भी कार्सिनोजन है। ओह वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू डॉक्टर पूनम, थैंक्स वेरी मच। हार्मनी डिजायर्स, हार्मनी डिजायर्स है ना, क्या है? जी हाँ जी, हार्मनी डिजायर। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। देखो ऐसे ही हम सब लोग ना सीखें बैठ के, जो मेरे को आता था मैंने आपको बता दिया, जो आपने आपको आता है आपने बता दिया, आपकी दो बातें मेरी दो बातें किसी की और दो बातें, ये सब बातें मिल करके हम अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। हर कोई आदमी कोई परफेक्ट नहीं है, हम आवर जर्नी इज टुवर्ड्स परफेक्शन, तो हम इस जर्नी में इस यात्रा में चलते जाएं, यही हमारा लक्ष्य है। बहुत अच्छा, थैंक्स डॉक्टर पूनम। और कुछ? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, बहुत अच्छा लगा सर, कार्सिनोजन को आपने इतना अच्छे से सरल शब्दों में बताया सर, हम सबको भी कार्सिनोजन बन के और आपसे सीखना चाहिए मुझे लगता है। मेरे को तो आपने पढ़ाया, आज मैंने कम पढ़ाया, आपने ज्यादा पढ़ाया, सब लोगों ने ज्यादा पढ़ाया सच में। बस मैंने तो पता नहीं, परमात्मा ने मेरे को मौका दिया उसको ठीक करने का, तो ऐसी बात नहीं है डॉक्टर जितेंद्र, वो सब आपकी आप लोगों की वजह से हो रहा है। देखो मैं कितना सीख पा रहा हूँ आपसे, आपने मैंने सब रूब्रिक जो आपने बताए मैं नोट कर लिए हैं अपने पास। कार्सिनोजन में एक आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड बहुत इम्पोर्टेंट है शायद, फर्स्ट एडीएस की वजह से। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर बहुत अच्छा लगा सर, बहुत सुबह सुबह संडे गुड मॉर्निंग हो गई सर हम लोग। हाँ जी, थैंक्स थैंक्स आप लोगों को इतना समय निकाला सर। ये आपने इसको कितने डोजेज कैसे रिपीटेशन किया? जैसे 30 बस 30 प्रेसी में 30 प्रेसी में 3 डोज हुई, उसके बाद फिर फॉलो अप में, अभी फॉलो अप चल रहा है अभी तो, लेकिन पेशेंट बहुत अच्छा ठीक हुआ, वो तो 90% ठीक हो रहा है। अभी उसकी अगली वीडियो बताऊंगा मैं आपको, मेरे पास अगर वीडियो मैं ना ले नहीं पाया क्योंकि बड़ी हाईली रिपीटेड में वो अपने परिवार है, मैं कोशिश करूंगा अगर मैं उनकी वीडियो ले पाया तो वीडियो पेश करूंगा आपके सामने।
तो उसको कितने मंथ्स हो गए सर? वैसे सर एक इसमें डॉक्टर साहब हैं, कार्सिनोजन तो मैं अभी अपने कम से कम थोड़ी समा हुए कार्सिनोजन दिए हुए, कार्सिनोजन तो एकदम से ठीक कर दिया ना, जो एक साल में नहीं हो पाया। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी डॉक्टर जिंदर क्या पूछ रहे थे आप? नहीं मैं कहता कि सर जो ये जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने बताया ना कि जो लोग सेंटिमेंटल होते हैं और वो जो चीजों को अपने अंदर रखते चले जाते हैं तो उनकी ना उसको बोलते हैं काइफोसिस होने लगता है उनको सर। ये बहुत ही अच्छी बात बताई उन्होंने, जो आजकल जनरली पेशेंट को देख के भी हम पहचान सकते हैं कि हम लोग किस तरफ हमें मूव करना चाहिए। बिल्कुल 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 सही बात आप। हाँ देखो ऐसे ही हम ना सब लोग अपने अपने इनपुट्स करते जाएं, ये हमारी क्लास का मकसद ही यही है कि हम एक दूसरे से सीख पाए, जितना हम सीख पाए उतना ही कम है। हर किसी को कोई नहीं आता, मेरे को भी कुछ नहीं आता, ये थोड़ी है कि मेरे को सब कुछ आता है। ये अगर एक पेशेंट मैंने ठीक कर दिया तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आई एम परफेक्ट, वो नहीं है। वो मैं अपना वो बात नहीं है। हाँ समुंदर हो सकता हूँ आपकी वजह से, अगर ये हम एक एक बूंद इकट्ठी हो जाएंगे तो समुंदर बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। और भी बहुत कुछ है इसमें, वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे हम। चाइल्डहुड जब कभी बच्चा आता है आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड है, रिकरेंट कप कोल्ड कोराइजा है, और बहुत ज्यादा जैसे फास्टिडियस है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, इवन द बहुत सही है, डिफरेंट है, मतलब हार्मनी चाहता है वो भी, अब जो ये पेशेंट है किस तकलीफ से जूझ रहा है, कौन सा इमोशन इसके ऊपर डोमिनेट हो रहा है और किस वजह से ये पेशेंट बीमार है, वो इंडिविजुअलाइजेशन ये तो है ना जी सर। लेकिन कार्सिनोजन प्लीजिंग जरूर होगा सर, अभी तक हमने कितने भी केस उसकी नेचर है, उसकी नेचर है वो तो नहीं, बाद में अग्रेसिव भी हो जाता है कार्सिनोजन, कई बार बहुत एंगर में। हाँ वो पार्ट जो डॉक्टर नीरजा बता रहे हैं ये बिल्कुल सही है, वो पार्ट नेक्स्ट टाइम बताऊंगा कि उसमें आपको लगेगा कि ये कार्सिनोजन कैसे ऐसे आ गई, वो केस भी है मेरे पास, वो भी करूंगा मैं आपके साथ कभी, जरूर बताइएगा सुनेंगे सर। हाँ बिल्कुल कार्सिनोजन का अगला पक्ष बताऊंगा मैं, जो आप सो देख के हैरान हो जाओगे, ये भी हो गया कि जैसे कॉकुलस है, कॉकुलस का हमारे को ये पता है कि भाई वो रिकॉग्नाइज करता है, वो इतना कंप्रोमाइजिंग है, वो इतना यील्डिंग है, ये है, लेकिन उसका अगला पक्ष बताएंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये भी कॉकुलस है क्या, ये भी है, हमने उस एंगल से भी पहचानना है, ये नहीं है कि हम एक बार इसी एंगल से ही देखना है उसको, क्योंकि फिर तो दूसरे वाले पेशेंट जो कार्सिनोजन के होंगे वो निकल जाएंगे, वो आप उनको पकड़ ही नहीं पाओगे अगर हमने यही बात को आगे रखा। बस हमने तो ये देखना है कि डायल में इस बार इस हमारे सामने स्क्रीन में क्या आ रहा है बस, और पेशेंट मौजूदा हालात में है क्या, वो बात है। और कुछ जी सर, जी सर, हर मेडिसिन का दो पहलू होता है ना सर, जी, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे सिक्के के दो पहलू, उसी तरह से हर मेडिसिन का दो पहलू, तो कब किस पहलू के साथ आ रहा है वही सीखना है आपसे। हाँ डॉक्टर अंजू, इंसान के भी इतने पहलू होते हैं, कभी इंसान अच्छा है कभी वो बुरा है, कभी उसके साथ बहुत नजायज हो गया तो उसके साथ उसने बुरा बिहेव किया, या उसने अपने को डिफेंड करने के लिए उसको मार दिया, तो उसको हम उसको क्रिमिनल नहीं बोलेंगे। तो उसने उसका एक्ट जरूर क्रिमिनल है, लेकिन उसके बाद आपके वो चरणों में गिर गया तो वो भी उसकी वेदना है, हमने तो उसको भी पकड़ना है, उसको भी पकड़ना है जी बिल्कुल। आज से पहले पेशेंट, एक पेशेंट पहले से साधु था, वो इतने पुण्य करता था, इतने यज्ञ करता था, लोगों के काम आता था, लेकिन किसी ने उसको इतना टॉर्चर किया, वो आज इतना वो अब्यूजिव हो गया, वो लोगों को गालियां निकालेगा, वो मारने लगा, लेकिन वो तब वो साधु था, अब वो ये बात है उसकी, अब हम उसको कंसिडर करेंगे ना कि उसके साधु तब। जी सर वही पीपीपी आ गया, प्रेजेंट प्रेजेंट जी, आपने सही कहा। और सब ठीक, अब जाऊं जी? जी सर, मैं आपका थोड़ा थैंक्स कर दूं सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और
अच्छा सुन ले क्या उनको या मैं थैंक्स कर दूं सर? जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं कुछ पंक्ति लिखी हूं आपके लिए सुनाना चाहूंगी। माइंड तकनीक पर काम करते बीते वर्ष 40 नई राह दिखा दिए सॉल्व किए इमरजेंसी केस। आप हैं उच्च कोटि के होम्योपैथ विशेष, हमें भी थोड़ी सी दे दो ज्ञान आशीष। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। इतनी बात नहीं है, देखो आपके सामने ही आए कि मैं तो सब कुछ आप ही लोगों से सीख रहा हूँ, सबसे सीखा है। डॉक्टर सहगल साहब के चरणों में बैठ के सीखा, डॉक्टर संजय साहब, डॉक्टर जोगेश जी, ये हमारे टीचर है, ये हम सबसे सीख रहे हैं। हम सब लोग एक परिवार है, हम परिवार में एक दूसरे से सब कुछ सीखते हैं। ये आपकी बड़प्पन है कि आप मेरे को वो सत्कार दे रहे हैं, ये आपका मन का प्यार और सत्कार है। थैंक्स फॉर दैट, मैं आभारी हूँ इस सत्कार का। लास्ट में एक चीज ऐड कर रही हूँ सर, ये बैक में फिजिकल में भी कवर कर रहा है। बैक में अगर हम जाएंगे ना, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस में भी कार्सिनोसिन आ रही है। ओह वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी आप चलें। नमस्कार सर। और नमस्कार जी जी नमस्कार। ओके थैंक यू। चले हम, आप इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी आप सबका थैंक्स, जो हम लोग पढ़े इतना ज्ञान दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ ये पेशेंट की वीडियो कभी दिखाऊंगा मैं, अगर मेरे को मौका मिला तो देखेंगे हम, देखना आप कैसे कैसे हो रहा काम। ओके थैंक्स वेरी मच, लेट्स गो।